हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। कटलेट सभी को पसंद आते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक के सबको कटलेट पसंद है। तो आज ये कटलेट्स हम एक अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं पोहे। ये एक बाउल पोहा लिया हुआ है मैंने और ये मोटा पोहा लिया हुआ है। इसे भी मैं 2-3 पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। ये पोहा मैंने यहाँ पे धो के ला लिया है, लेकिन इसमें से मैंने पूरा पानी नहीं निकाला है। इसमें थोड़ा सा पानी वैसे ही रहने दिया है ताकि ये पोहा अच्छे से फूल जाए। अभी इसे मैं 10 मिनट ऐसे ही ढककर रख देती हूँ। तब तक के दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक मिक्सर जार, उसमें डाल रही हूँ 4-5 हरी मिर्च, 3-4 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक के साथ ही इसमें अभी मैं डालूंगी 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और वैसे ही 1 चम्मच जीरा। अभी इसे मैं पीस लेती हूँ। ये पीस के मैंने ला लिया है। यह हमें ऐसे ही दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं करनी है, एकदम परफेक्ट ऐसे पीस के हो चुका है। अभी 10 मिनट हो चुके हैं और ये पोहा भी अच्छे से भीग चुका है। तो ये पोहे को मैं थोड़ा सा पहले हाथ से स्मैश कर लेती हूँ। बस आधे मिनट तक के ऐसे इसे स्मैश कर लेंगे तो ये अच्छे से टूट जाएगा और एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। ऐसे ही हाथ से इसे स्मैश कर लेते हैं। अभी हम इसमें डालते हैं आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हुए हैं और उसे ग्रेट करके रख दिया था। ये दोनों आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें और वेजिटेबल्स डालेंगे। तो इसमें डाल रही हूँ एक गाजर, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पे मैंने टमाटर की बीजें निकाल ली थी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च बारीक करके रखा हुआ था वो पूरा मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मसाले से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हो। अभी मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट को मैं एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मस्त लगते हैं ये कटलेट, बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। और हमने इसमें जो सौंफ और धनिया यूज़ किया हुआ है साबुत, वो थोड़ा दरदरा ही हमने पीसा हुआ है, तो उसकी भी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। ये देखो, ये अच्छे से अभी मिक्स हो चुका है। अभी मैं हाथ साफ करके आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल ले लिया है और ये यहाँ से थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर इसको हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे और इसको आप जो चाहे वो आकार का बना सकते हो। यहाँ पे मैं सिलेंडर के जैसे बना रही हूँ, जैसे कटलेट रहते हैं वैसे ही आकार के मैं इसको बना रही हूँ। ये देखो, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। आप चाहे तो इसे टिकी के जैसे भी बना सकते हो या फिर आपको जो भी आकार पसंद हो उससे उसके जैसे तैयार कर सकते हो। ये देखो, ये मेरा दूसरा भी तैयार हो गया। ऐसे ही मैंने सारे तैयार करके रख दिए हैं। ये देखो कितने मस्त दिख रहे हैं। इसे चाहे तो आप ऐसे ही तल सकते हैं, लेकिन इसमें और क्रिस्पीनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा बाउल लिया हुआ है और उसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैं 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेती हूँ। इसी में मैं डालूंगी 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच तिल और एकदम थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसका अभी हमें घोल तैयार करना है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेती हूँ। तो ये घोल हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। इसे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका हम घोल तैयार करेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये मेरा घोल तैयार हो चुका है और मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये तेल भी गरम हो चुका है। तो अभी मैं एक कटलेट लेती हूँ।
और ये घोल में डिप कर लेते हैं और इसे डायरेक्टली तेल में डाल देते हैं। ऐसे ही मैं बाकी के भी कटलेट्स इसमें डाल देती हूँ। इसके ऊपर की लेयर एकदम पतली आती है, इसे ही और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। ये देखो यहाँ पे ये कटलेट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी इसे हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखो यहाँ पे एक तरफ से थोड़ा सा कड़क होना चालू हो जाए तो हम इसे पलटा देते हैं। तो इसे हल्के हाथों से हम ऐसे पलटा देंगे ताकि ये सभी तरफ से पक भी जाए, क्रिस्पी भी बने और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। इसे हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। इसे बीच बीच में अल्टी पल्टी करते हुए ही हमें पकाना है ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाए। पूरे कटलेट का कलर चेंज होने तक के हमें इसे पकाना है। आप चाहे तो ये कटलेट्स में और भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। इसमें और ज़्यादा वेजिटेबल्स डालने से ये और ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और थोड़ा अलग भी टेस्ट आता है, इसलिए आपको जो भी पसंद हो वो वेजिटेबल्स आप इसमें डाल के इसे बना सकते हो। ऐसे ही इसे चम्मच से अल्टी पल्टी करते हुए हम पकाएंगे। ये देखो यहाँ पे पूरे कटलेट्स का कलर चेंज हो चुका है, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं और पूरे सभी तरफ से पक चुके हैं। अब ये सारे कटलेट्स मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के जो बचे हुए हैं वो ऐसे ही हमें तल लेना है। बहुत ही मस्त दिख रहे हैं और खुशबू भी बहुत ही मस्त आ रही है। अभी बाकी के भी मैं ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। ये देखो ये बन गए हमारे कटलेट्स, कितने मस्त दिख रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखो कितना मस्त दिख रहा है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है, मस्त पक चुका है। आप इसे किसी भी ग्रीन चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हो। देखो कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो आप भी इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करना। थैंक यू।